चलिए भाई, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सेकंड शिफ्ट का, देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सारे शिफ्ट के क्वेश्चन प्रेजेंट करे जाएं, ताकि अगले आने वाले दिनों में जिनके पेपर है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ये सेकंड शिफ्ट के पेपर है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन हमको मिल पाए वो प्लस थर्ड शिफ्ट में, जिसको ऑल शिफ्ट बना करके हम सारे कंक्लूजन आपको प्रेजेंट कर देंगे, जिसमें दिन भर के जितने भी क्वेश्चन मिसिंग है वो तो होंगे ही, और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को बहुत एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बन पाएगी मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी दोस्तों तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि लोसार फेस्टिवल कौन सी जनजाति मनाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो जनजाति दी गई थी वो अरुणाचल प्रदेश की दी गई थी, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में आपको मोनपा जनजाति हो गई, डफला हो गई, ठीक है, ईदू हो गई। ईदू मिसमी जनजाति भी कहाँ पे हो जाएगी, तो वहीं पे हो जाएगी, ठीक है। मिसमी अगर जनजाति पूछा जाएगा तो यही से संबंधित आप क्वेश्चन को सही कर सकते थे एलिमिनेट करके। तो मोनपा जनजाति लोसार फेस्टिवल को मनाती है। प्लस लोसार अगर पूछा जाएगा कि अभी कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया, वो भी पूछा जा सकता है। 2021 और 22 दोनों ही कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया, जो कि पूछा जा सकता है। फुकुओका अवार्ड देखिए किसे दिया गया, पी साईनाथ को दिया गया, ध्यान रखिएगा, फुकुओका अवार्ड पी साईनाथ को। उसी तरह आपको सनराइजिंग अवार्ड पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी जापान ही देती है, फुकुओका अवार्ड भी जापान ही देती है। तो ये दिया गया श्यामला गणेशन को, ध्यान रखिएगा, श्यामला गणेशन को दिया गया आपका सनराइजिंग अवार्ड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कुवेंपु अवार्ड पूछा जा सकता है, किशोर पांडा जी को दिया गया, किशोर नाथ पांडा जी को, जो कि पूछा जा सकता है। मूर्ति देवी पुरस्कार पूछा जाता है विश्वनाथ तिवारी जी को। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें मूर्ति देवी पुरस्कार अगर पूछा जाएगा, चौथा सत्यजीत रे अवार्ड किसको दिया, ये सारे क्वेश्चन तो वो बी गोपाल को दिया गया। ये सब क्वेश्चन अवार्ड वाले मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, जो कि आपको एक नंबर दिलाएंगे। इको शॉर्ट पुरस्कार पूछा जाएगा तो विद्युत मोहन जी को दिया गया, ये भी मैंने बता रखा है। नेताजी पुरस्कार पूछा जाएगा सिंजो आबे को। गांधी शांति पुरस्कार पूछा जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में। ये सब क्वेश्चन आपको बनेंगे। पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, तो वो कौन हो जाएंगे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सिविल सर्विसेज के लिए कौन जाना जाता है, तो कार्नवालिस को जाना जाता है, गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो। अगर प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, वो ध्यान रखिएगा। प्लस फौजदारी और दीवानी के लिए पूछा जाएगा, ये भी बन सकता है आपका। तो फौजदारी दीवानी किसने कौन लेके आया, तो ये लेकर के आया था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी पूछा जा सकता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बस सीपीसी और सीआरसी धाराओं के लिए पूछा जाएगा, सीपीसी सीआरसी धाराओं के लिए तो कैनिंग जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका इनमें से एक जरूर बन सकता है आगे आने वाले सेशन में। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे, साउथ अमेरिका, आग लगी थी आपने सबने, सबको पता होगा। भारत का साउदर्न पार्ट कौन सा होगा, केप कुमरीन बेसिकली पूछा गया, तो कहाँ पे हो जाएगा, वो तमिलनाडु में हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे रीजन पूछा था, ध्यान रखिएगा, रीजन पूछा था तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र। जब क्षेत्र पूछ लेता है तो क्वेश्चन पूरा बदल जाता है, तो बिल्कुल आपने सही किया होगा। ऐसा कौन सा रीड ओनली मेमोरी है जो प्रोग्रामेबल भी और इलेक्ट्रिक रेजेबल भी है, तो उसमें जो ऑप्शन में सही ऑप्शन था वो था ईपी रोम। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे जो सही। देखिए और अगला क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। अगर आप पहले शिफ्ट का अगर पेपर देखे होते तो वहां पे मैंने बताया था पुष्यभीति वंश से थे, इन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी, ध्यान रखिएगा, थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज करी, ये भी पूछा जाता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि अब इनको इनके हत्या करके पुलकेशिन द्वितीय ने जो है कि परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी, वो भी मैंने आपको बताया था। प्लस इन्होंने किताब लिखी थी आपको जो पूछा जा सकता है, जिसमें आपको प्रियदर्शिका पूछा जा सकता है, किसके द्वारा लिखी गई, कई बार आपको बताया गया प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई, इन्हीं के द्वारा। नागनंद किसके द्वारा लिखी गई, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा, प्रियदर्शिका हो गया, नागनंद हो गया, और पूछा जाएगा इन्होंने अपनी धार्मिक कैपिटल कहाँ बनाई, धार्मिक राजधानी कहाँ बनाई, प्रयागराज में बनाई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कन्फर्म, ठीक है। इससे पहले रत्नावली आपको पूछा गया था, जो मैंने आपको बता रखा है। 5 से 11 तक क्या है, भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया, ध्यान रखिएगा, दूसरा भाग हो जाएगा जिसमें इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। भाग 3 में पूछा जाएगा आपको, तो वो 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार हो जाएंगे। 36 से 51 में पूछा जाएगा तो हमारा डीपीएसपी हो जाएगा, जो चौथा भाग है। 4A में पूछा जाएगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा, यानी मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, जिनको 51A आर्टिकल में मेंशन किया गया, ये सब पूछा जा सकता है।
देखिए यूनियन टेरिटरी हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले वाले सेशन में पूछा गया था कितने हाई कोर्ट है, 25। हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट किससे संबंधित, तो 241वें आर्टिकल में यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट जो है वो बताया गया। जबकि हाई कोर्ट से संबंधित ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट किस आर्टिकल में, 214 में, 216 में अगर पूछा जाएगा, तो हाई कोर्ट का फॉर्मेशन हो गया, पूछा गया कई बार आपको। वहीं अगर आपको जो है कि सुप्रीम कोर्ट पूछा जाएगा तो 124 हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट किस योजना के तहत की जा रही, तो अटल योजना के तहत। ध्यान रखिएगा अटल टिंकरिंग भी वहां पर शुरू किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस कश्मीर से संबंधित योजना है सुपर 75, आपको पूछी जा सकती है। कई बार मैंने बताया आपको, वतन को जानो, आपको पूछी जा सकती है, कई बार बता रखा है मैंने आपको। डीजी पे सखी, ध्यान रखिएगा डीजी पे सखी पूछा जाएगा, घर घर पहुंच करके जो है कि बैंकिंग अवेयरनेस बढ़ाने का, तो वो भी कश्मीर में ही शुरू किया गया, जो कि मैंने आपको बता रखा है, पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। गुजरात में सोमनाथ मंदिर फिर से रिकंस्ट्रक्ट किस योजना के तहत, प्रसाद योजना के तहत। ध्यान रखिएगा सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे। अहिल्या बाई प्लस आपका जो है कि पार्वती देवी मंदिर परिसर को किसने शिलान्यास किया, तो इन्होंने किया। वादक से संबंधित प्रश्न थे, देखिए कोई वादक दिया था, उनसे संबंधित उनका इंस्ट्रूमेंट दिया था, वो सारा सेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप जा करके देख लीजिएगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जरूर देख लीजिएगा जो पूछा जा सकता है। PSLV-651 अमेजोनिया सेटेलाइट छोड़ा गया किसके लिए, ब्राजील के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो। इसरो के करंट अगर हेड पूछा जाएगा एस सोमनाथ, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। इसरो की स्टैब्लिशमेंट 1969 में हुई, बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर हो जाएगा, विक्रम साराभाई के द्वारा करी गई। इसरो ने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च करा आर्यभट्ट, जो कि पूछा जा सकता है कब, 1975 में लॉन्च करा था USSR की मदद से। अभी इसरो ने ध्यान रखिएगा एक INS-2B करके, ध्यान रखिएगा एक INS-2B करके भूटान के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। कौन सा वीकेस्ट एसिड है, तो एसिटिक एसिड, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। बेसिकली सिरके में आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड, कई बार पूछा गया आपको, एक नंबर का क्वेश्चन। विनेगर में पूछा जाएगा तो 4 to 8% जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। चर्च ऑफ गोवा को यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया गया, 1986 में। देखिए यूनेस्को की भी मैंने पूरी लिस्ट शामिल कर रखी है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। जयपुर या राजस्थान से पूछा गया था, बच्चों का कहना था कि जयपुर या लखनऊ से संबंधित कोई फेस्टिवल पूछा गया था। तो देखिए जयपुर पूछा होगा तो शरद रहा होगा, लखनऊ पूछा होगा तो अभी जगरी फेस्टिवल वहां पे जो है सेलिब्रेट किया गया, यानी गुड़ महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, जो कि पूछा जा सकता है। निग्रो जनजाति कहाँ से, अफ्रीका से। अफ्रीका से देखिए बहुत सारी जनजाति, जूलू पूछा जाएगा आपको तो अफ्रीका से है। अगर पूछा जाएगा कि मसई कहाँ की जनजाति है, तो अफ्रीका से ही हो जाएगी आपको पूछा गया। हौसा कहाँ की जनजाति है, तो नाइजीरिया की हो जाएगी, कई बार आपको पूछा गया है। एनू जनजाति पूछा जाएगा तो जापान की जनजाति, नोट डाउन कर लीजिएगा। एटा पूछा जाएगा तो फिलीपींस की जनजाति है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, कहाँ की हो जाएगी, फिलीपींस की। सेमांग पूछा जाएगा तो कहाँ की जनजाति है भाई, तो मलेशिया की जनजाति हो जाएगी सेमांग अगर पूछा गया तो। ठीक है, एबजॉनिनल्स पूछा जाएगा कि एबजॉनिनल्स कहाँ की जनजाति है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी, ये भी मैंने आपको बता रखा है। माओरी पूछा गया कि माओरी कहाँ की जनजाति है, तो वो हो जाएगी आपकी जो है कि न्यूजीलैंड की पूछा गया आपको। एस्किमो पूछा जाएगा, एस्किमो कहाँ की जनजाति है, तो वो कनाडा की जनजाति हो जाएगी, ये भी मैंने बता रखा है। आफरीदी पूछा गया तो पाकिस्तान की जनजाति होगी, ये सब जनजातियां मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। सेंटॉस पोर्ट बेसिकली कॉफी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है ब्राजील। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, जायर बोल्सोनारो। ब्राजील ने हमारे लिए वीजा फ्री कर रखा है, ध्यान रखिएगा। ऑलिगोपॉली क्या होता है, तो ऑलिगोपॉली देखिए किसी भी एक सामान को बहुत कम जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर बेचते हैं, वो अपने हिसाब से उसके दाम और दाम को घटा बढ़ा सकते हैं, यानी दामों का मापदंड जो है सेट कर सकते हैं। तो ऑलिगोपॉली एक तरीके से बिजनेस मोनोपोली हो गया। जून 2021 में तीरंदाजी के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था, दीपिका कुमारी ने जीता था, ध्यान रखिएगा। वेरी फेमस प्लेयर ऑफ आर्चरी, ये फेमस प्लेयर है काफी इंडिया की, दीपिका कुमारी, इन्होंने ही जीता था। कौन सी पंचवर्षीय योजना एक साल के लिए रोक दी गई, पांचवीं पंचवर्षीय योजना, मैंने बताया आपको गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी बनने पर इसको रोक दिया गया था। प्लस और योजना अवकाश भी मैंने आपको बता रखा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, किसके तहत चलाई जाती थी, तो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, जो कि 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। पहले अध्यक्ष उसके जवाहरलाल नेहरू थे, फिर 1 जनवरी 2015 को उसको रिप्लेस कर दिया गया योजना आयोग को। ठीक है,
और नीति कमीशन शुरू कर दिया गया, और जो है उसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं को भी बंद कर दिया गया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? हेराल्ड डॉमर। दूसरी का पूछा जाएगा पीसी महलनोबिस। ये सब पूछा जाता है आपको, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा कौन सी ज्वार फेस्टिवल कहाँ पे? बुंदेलखंड। ज्वार फेस्टिवल आपको एमपी भी मिल जाएगा, मटकी फेस्टिवल भी आपको एमपी मिल जाएगा। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस कुछ आज मिले थे। इसके अलावा और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो 50 क्वेश्चन जो बचते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखिए, अभी रिसेंट में मैंने बहुत सारी वीडियोस प्रेजेंट करी है, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं और पेपर टफ आ रहा है। पेपर टफ क्या आ रहा है? क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जा रहा है। देखिए, एलिमिनेट कर सकते हैं आप, तो एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन करेगा। बाकी थर्ड शिफ्ट में मैं प्रेजेंट करूंगा, जो कि थर्ड शिफ्ट एक्स्ट्रा डिटेल्स यानी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके साथ, प्लस जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हो पाएगी, वो सारी मैं आपको प्रेजेंट करके वो ऐड कर दूंगा। वो तकरीबन रात को आपको मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सेशंस को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपका कल के लिए। और बाकी जो बच्चों का पेपर अभी जो थर्ड शिफ्ट का आता, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा।